राजधानी देहरादून से लखनऊ के लिए स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन यार्ड में फूलों से सजाया गया था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और रेलवे के प्रमुख अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। देहरादून से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया गया और ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले रेलवे स्टेशन पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस बार इस कार्यक्रम में एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज रेलवे के क्षेत्र में उत्तराखंड को 5,120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। पूरे राज्य की ओर से मैं राज्य की कनेक्टिविटी की मांग पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। ये हाई सेमी स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर भी दौड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके साथ ही हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के साथ जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के कारण से उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से तेजी से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले अगर हम 10 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड के रेलवे के क्षेत्र में भी 5,120 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देवभूमि की जो भी मांग होती है, जो भी जरूरत होती है, उन सभी मांगों को, उन सभी जरूरतों को बिना कोई देरी किए हुए पूरा करते हैं, हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोपवे की बात हो, या सड़क की हो, रेल हो, या परिवहन हो, हर क्षेत्र में एक के बाद एक सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से